हेलो फ्रेंड्स, मेरे सिंपल फूड चैनल में आपको स्वागत है। सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। इसे कैसा बनाते हैं आज हम देखेंगे। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स, ये आनियन पेस्ट, एक मीडियम साइज आनियन लेके मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लीजिए। टमेटा प्यूरी, दो छोटे टमेटर लेके मिक्सर में डाल के प्यूरी बना लीजिए। टमेटा प्यूरी, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, तीखा अपनी अपनी हिसाब से ले लीजिए, थोड़ा कम ज़्यादा। मैं ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ले ली हूँ, इस ये तीखा थोड़ा कम लगेगा, इसलिए आप चाहे तो थोड़ा कम ले लीजिए। नॉर्मल जो मिर्ची पाउडर ले लेंगे तो हाफ टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नींबू का जूस 2 टेबल स्पून, बेसन रोस्ट किया भुना हुआ बेसन है, हल्का सा बेसन को भून लीजिए। 2 टेबलस्पून दही, थोड़ी सी कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो थोड़ा बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल का क्वांटिटी कम करके। फर्स्ट एक बाउल ले लेंगे, मिक्सर बाउल में ये दही बेसन को थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा बचा के रख लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट भी थोड़ा डाल के थोड़ा बचा के रख लेंगे। स्वाद अनुसार नमक, ये पूरे मसाले भी हम थोड़ा थोड़ी करके एक क्वांटिटी डाल देंगे। देखो थोड़ी थोड़ी करके, ये नींबू का जूस 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून डाल के अच्छा सा मिक्स कर दीजिए, पेस्ट जैसा बना लीजिए। अब इसमें ये पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, हल्का सा मिक्स कर देंगे सावधानी से, क्योंकि टूट जाएंगे। हल्का सा अच्छा सा कोट कर दीजिए। पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऑयल डाल के या ऑयल गरम होने देंगे। ऑयल गरम होने के बाद इसमें कोट करके रखे हुए पनीर क्यूब्स को एक एक करके डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे रख के 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट के बाद पलट देंगे। ये पनीर के क्यूब्स थोड़ा बड़े ले लीजिए तो आपको अच्छे से आसानी लगेगी पलटने में। दोनों साइड भी पका लेंगे 1/2 मिनट तक। दोबारा सा पकाने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये पनीर क्यूब्स को प्लेट में निकाल लीजिए और एक पैन ले लीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए। पैन गरम होने के बाद इसमें ऑयल डाल देंगे। ये ऑयल गरम होने के बाद इसमें हम बना के रखे हुए आनियन पेस्ट को डाल देंगे। आनियन पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छा सा फ्राई कर दीजिए मीडियम या हाई फ्लेम पे रख के। ये पेस्ट पूरा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक चलाते हुए फ्राई कर देंगे। थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे आप, थोड़ी सी, थोड़ी बचा के रख लेंगे लास्ट में डालने के लिए। डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के इसको भी भून देंगे, अदरक लहसुन पेस्ट को भी अच्छा सा भूनने के बाद अब इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। ये पूरे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, ज़ीरा पाउडर डाल के मिक्स कर देंगे।
अब इसमें ऐड कर देंगे ये टमेटा प्यूरी। टमेटा प्यूरी डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद अब ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रख के पका लेंगे। देखो 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल देंगे, इसको एक बार अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, 1 कप पानी ले लेंगे। ये पानी को मैं ये बाउल में, मिक्सिंग बाउल में जो हम मिक्स करके रखे हुए तीखा मसाला ये पूरा डाल देंगे इसमें, बिना वेस्ट करके मसाला इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। पानी थोड़ा कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से, अब ग्रेवी के हिसाब से, पतली चाहे या गाढ़ी चाहे। ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक देख के डाल लीजिए, क्योंकि हम पनीर टिक्का बनाने के टाइम में थोड़ा नमक डाले ही, इसलिए देख के डाल लीजिए। अब इसमें ऐड कर देंगे ये बचा हुआ बेसन, ये ऑप्शनली है आप फिर डालना। अब ग्रेवी थिक चाहे तो डाल लीजिए अपने हिसाब से। डाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करके 2 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे रख के। देखो ये अच्छा सा ग्रेवी पकने लगी है। अभी ग्रेवी में ऐड कर देंगे ये पनीर टिक्का, डाल देंगे। डाल के हल्का सा मिक्स कर दीजिए। इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद ढक के पका लेंगे। लास्ट में थोड़ा कसूरी मेथी डाल देंगे, जो बचा के रखी हुई है कसूरी मेथी को। डाल के हल्का सा मिक्स कर देंगे। अब उसको ढक के 1 मिनट तक लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पनीर टिक्का मसाला तो रेडी हो गया है। अभी टिक्का मसाले को सर्विंग बाउल या प्लेट में सर्व कर देंगे। सर्व करने के टाइम एक बार हल्का सा मिक्स करके फिर सर्व कर लीजिए। ये पनीर टिक्का मसाले को थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ये धनिया पत्ता रख के। बिना गार्निश के भी ये बहुत बढ़िया लगेगा। बन गया है पनीर टिक्का मसाला। इसको आप नान के साथ या परोठा चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी ही तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।